हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज कवर कर रखी है। कल कंप्लीट प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, आप लोग वीडियो अच्छे से देखना, कंप्लीट वीडियो देखना। आज हम कोलाइड्स के रिमेनिंग पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, एक छोटा सा टॉपिक कोलाइड्स में बड़ा अच्छा सा है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं और ये बिल्कुल ईजी पार्ट है। नाम ही है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब आप समझ रहे हो, प्रोटेक्शन से है, मींस प्रोटेक्ट करने से है। आपको सबको पता है कि जो लायोफिलिक हमारे पास कोलॉइड होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, और लायोफोबिक कोलॉइड जो हमारे पास रहते हैं, ये देखा जाए लायोफिलिक के रिस्पेक्ट में अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ज्यादातर केस में लायोफिलिक वाले अपने साइज की वजह से कोलॉइड्स बनाते हैं। ज्यादातर इनकी जो साइज है पार्टिकल की, वो 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में होती है, और जो लायोफोबिक वाले होते हैं, ये ज्यादातर लेस देन 1 नैनोमीटर के होते हैं। इसे फिजिकल या केमिकल टेक्निक के थ्रू इनको 1 to 1000 नैनोमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे केस में जो हमारे पास लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं, इनमें अगर हम स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट यानी कोई भी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट अगर मिला दें, तो ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इनकी स्टेबिलिटी कम है। इसलिए हमने यहाँ पर इनके रिस्पेक्ट में अनस्टेबल वर्ड लिखा। आप ये मत सोचना कि ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल का मतलब क्या है कि इनकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, ऐसा नहीं है। ये चार्ज की वजह से स्टेबल होते हैं और ये साइज या मास की वजह से स्टेबल होते हैं। इस बेसिस पर लायोफिलिक की स्टेबिलिटी लायोफोबिक के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ स्टेबल वर्ड लगा रखा है। लायोफिलिक के रिस्पेक्ट में लायोफोबिक की स्टेबिलिटी जो है ये कम है, इसलिए मैंने यहाँ पर देखा जाए अनस्टेबल वर्ड लगा रखा है। तो मेरे बताने का पर्पज इतना सा है कि अगर हम लायोफोबिक सॉल्व में, लायोफोबिक कोलॉइड में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करने से हमारे जो लायोफिलिक लायोफोबिक सॉल्व है, ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब इनका चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या समझाना है स्पेशली यहाँ पर, ये है मेरे बताने का पर्पज है, अगर हम लायोफोबिक कोलॉइड्स में लायोफिलिक सॉल्व डाल दें, लायोफिलिक कोलॉइड मिक्स कर दें, तो लायोफिलिक क्या करेगा, लायोफोबिक के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे देखिए, अगर मान लो कि ये हमारा लायोफोबिक कोलॉइड्स है, और सपोज कर लीजिए कि जितने भी पार्टिकल हैं सब पर पॉजिटिव चार्ज है, और यही चार्ज इनको स्टेबल बनाए हुए है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट हमने इसके अंदर डाला जिसने प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर दिया, तो अब हमारा लायोफोबिक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका चार्ज न्यूट्रल हुआ, इसका कोलाइडल बिहेवियर खत्म हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। लेकिन अगर इसी केस में हम लायोफिलिक सॉल्व, लायोफिलिक कोलॉइड मिला दें, तो लायोफिलिक क्या करेगा, इनके ऊपर देखो एक लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। अब लेयर के फॉर्मेशन से इनका जो चार्ज सरफेस पर है वो देखो कवर हो जाएगा, लायोफिलिक ऊपर से लेयर बना देगा और उनको प्रोटेक्शन दे देगा। इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब सिंपली क्या रहा कि अगर हम लायोफोबिक कोलॉइड्स में लायोफिलिक कोलॉइड मिक्स कर दें, तो लायोफिलिक कर क्या रहा, लायोफिलिक अपने साइज की वजह से, मास की वजह से स्टेबल है, लायोफोबिक जो है ये देखा जाए अपने चार्ज की वजह से स्टेबल है। तो लायोफिलिक लायोफोबिक के ऊपर देखो लेयर का फॉर्मेशन कर देगा, जब ये लेयर का फॉर्मेशन कर देगा तो इसका इंपैक्ट ये आएगा स्पेशली लेयर फॉर्मेशन से। अब ये देखा जाए नॉर्मली स्पेशली आप मान सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अब ये इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से कोगुलेट नहीं होगा। तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन किससे हो रहा है, लायोफोबिक कोलॉइड्स का लायोफिलिक कोलॉइड से हो रहा है। अब यहीं पर देखा जाए गोल्ड नंबर एक वर्ड मैंने लगा रखा है, गोल्ड नंबर देखा जाए जिगमोंडी एक नाम आता है साइंटिस्ट का, जिन्होंने 1901 में ये गोल्ड नंबर टेक्निक यूज कर रखी है। गोल्ड नंबर का तो मतलब कुछ अलग नहीं है, गोल्ड नंबर का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है नॉर्मली कि हम किसी भी लायोफिलिक कोलाइड के प्रोटेक्टिंग पावर का मेजरमेंट करते हैं कि हमारा लायोफिलिक कोलाइड कितना ज्यादा कह सकते इफेक्टिव है किसी भी लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके लिए क्या किया गया है, एक देखा जाए लायोफिलिक कोलाइड की प्रोटेक्टिंग पावर का मेजरमेंट हम गोल्ड नंबर से करते हैं। लेकिन गोल्ड नंबर है क्या, जरा इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि हमने 10 ml
स्टैंडर्ड गोल सॉल्व ले लिया है, 10 ml स्टैंडर्ड, यहां पर 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल ले रखा है। आपको पता है 10 ml हमने स्टैंडर्ड गोल्ड का कोलॉइड ले रखा है। अब 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड का कोलॉइड लेने के बाद अगर इसमें देखा जाए, अगर हम 1 ml 10% NaCl का सोल्यूशन मिला दें, तो अब क्या होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल है ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल आपको पता है जो गोल्ड सॉल है ये मैनमेड है, ये अपने चार्ज की वजह से स्टेबल है। जब आप 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन इसके अंदर मिला दोगे, इसका इंपैक्ट ये स्पेशली आएगा, इसका इंपैक्ट स्पेशली यहां पर आएगा कि NaCl इसके गोल्ड सॉल के सरफेस पर जो चार्ज है जो उसको स्टेबल बनाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और उसका इफेक्ट ये आएगा कि हमारा गोल्ड सॉल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में हम कोई भी प्रोटेक्टिव, यहां पर प्रोटेक्टिव कोलॉइड अगर इसमें मिला दें, अब प्रोटेक्टिव कोलॉइड की वैल्यू हम देखो मिलीग्राम में लेके चलेंगे, यहां पर देखा जाए मिलीग्राम में हम कंसिडर करेंगे, तो मिलीग्राम में अगर हमने प्रोटेक्टिव कोलॉइड को लिया है वो मिनिमम अमाउंट जो कि अगर 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल में अवेलेबल है, जो कि 1 ml 10% NaCl को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने से रोक देगा, तो इस प्रोसेस के लिए देखा जाए हम नाम देते हैं वो प्रोटेक्टिव कोलाइड का, वो जो वैल्यू आएगी मिलीग्राम में वो वैल्यू देखा जाए उसका गोल्ड नंबर बन जाएगी। फिर एक बार समझिए जरा मैंने क्या समझाने का प्रयास किया आप लोगों को, गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिव कोलाइड के प्रोटेक्टिंग पावर का मेजरमेंट है। प्रोटेक्टिंग पावर यानी कोई भी प्रोटेक्टिव कोलाइड कितना ज्यादा इफेक्टिव है लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, जिगमोंडी ने 1901 में यह टर्म इंट्रोड्यूस किया था, 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल दिया गया जो कि मैनमेड है, चार्ज की वजह से स्टेबल है। अगर हम इसमें 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन मिला दें तो हमारा जो स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल है यह न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यह प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कोलाइडल बिहेवियर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमने 1 ml 10% NaCl डालने से पहले से ही हमने इसके अंदर प्रोटेक्टिव कोलाइड डाल रखा है, और प्रोटेक्टिव कोलाइड का मिलीग्राम में वो मिनिमम अमाउंट जो कि 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल में अवेलेबल अगर है, तो 1 ml 10% NaCl से प्रेसिपिटेट बनने से इसको रोक देगा, तो उस वैल्यू को हम नाम देते हैं गोल्ड नंबर। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो आप बता सकते हो प्रोटेक्टिव मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, ध्यान रखना मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम विच इज प्रेजेंट इन 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल एंड प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल बाई 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन आर नोन एज इट्स गोल्ड नंबर। फिर एक बार समझिए जरा, प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्टिंग पावर का मेजरमेंट है ये, तो हमने क्या किया इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, ध्यान रखना मिलीग्राम, विच इज प्रेजेंट इन 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल एंड प्रिवेंट इट्स कोगुलेशन बाई 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन आर नोन एज इट्स गोल्ड नंबर। यह आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। स्पेशली अगर मान लीजिए किसी प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम में कम नीड हो रही है, कम अमाउंट की जरूरत पड़ रही है 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी कोलाइड को ज्यादा लेना पड़ रहा है, तो जितना मिनिमम गोल्ड नंबर की वैल्यू आएगी प्रोटेक्टिव कोलाइड की उतना ही ज्यादा उसकी प्रोटेक्टिंग पावर होगी। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक वर्ड लगा लेते हैं, मान लो हम जिलेटिन को ले लेते हैं, जिलेटिन का मान लीजिए गोल्ड नंबर 10 है, और मान लीजिए अगर हम स्टार्च ले लेते हैं, स्टार्च का मान लीजिए 15 है, और आपसे पूछा जाए इन दोनों में ज्यादा प्रोटेक्टिव एक्शन कौन शो करेगा, तो जिसके गोल्ड नंबर की वैल्यू कम आएगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, जिसके गोल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा आएगी वो लेस इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये 10 mg 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल को 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन से कोगुलेट होने से बचा रहा है, लेकिन अगर स्टार्च दिया जा रहा है तो 15 mg लेना पड़ रहा है, तब जाकर के इसका प्रोटेक्शन हो पा रहा है। तो स्टार्च को ज्यादा लेना पड़ा, जिलेटिन को कम लेना पड़ा, इसलिए जिलेटिन मोर इफेक्टिव है और स्टार्च उसके रिस्पेक्ट में लेस इफेक्टिव है। ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा प्रोटेक्शन से रिलेटेड। हमें लगता है आप लोगों को गोल्ड नंबर होता क्या समझ में आया होगा, और ये प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का कैसे बिहेवियर है, कैसे ये प्रोटेक्शन करते हैं, ये पूरा डिस्कशन मैंने आप लोगों के सामने करी है। अब इसके आगे देखा जाए एक बड़ा छोटा सा टॉपिक और है हमारा इमल्सन, जरा उसकी बात करते हैं।
ये सब ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं इस पर कभी कभी वन मार्क्स के क्वेश्चन ये लोग निकालते हैं, जो कि थोड़ा सा ध्यान लगाया जाए तो वन मार्क्स के क्वेश्चन को वन मार्क्स गेन करना अपने लिए बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। देखिए इमल्शंस क्या होते हैं, जैसा कि शुरुआत में हमने क्लासिफिकेशन में आपको डिस्कस कर रखा है, इमल्शन जो होते हैं ये स्पेशली लिक्विड लिक्विड कोलाइड्स होते हैं इमल्शंस। यहाँ पर देखा जाए भी बड़ा अच्छा सा टॉपिक है इमल्शंस। देखिए इमल्शंस में देखो आपको मैंने बता रखा है लिक्विड लिक्विड कोलाइड, यहाँ पर देखा जाए लिक्विड लिक्विड अगर मिल करके कोलाइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं इनके लिए हम इमल्शन वर्ड यूज करते हैं। जैसा आपको पता है डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज, अगर दोनों कंपोनेंट दोनों कंटेंट दोनों फेज हमारे लिक्विड फेज में है लिक्विड है तो हमारा जो कोलाइड बनेगा उसका नाम आएगा इमल्शन। तो आप लोग इमल्शन के बारे में इतना सा डिस्कशन आप जरूर करना, बहुत आसान सा टॉपिक है। अब देखा जाए इमल्शन नॉर्मली होता क्या है कि आसानी से बनता नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है इमल्शन को बनाना पड़ता है, क्योंकि इमल्शन ज्यादातर केस में अनस्टेबल होते हैं। जैसे ध्यान दो, अगर मान लीजिए कि मैंने लिक्विड की प्लेस पर वाटर ले लिया डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज में हमने सपोज करो कि कोई भी अपना वेजिटेबल ऑयल सेलेक्ट कर लिया, चाहे मस्टर्ड ऑयल ले लिया सनफ्लावर ऑयल ले लिया कोई हमने पर्टिकुलर ऑयल सेलेक्ट कर लिया, ऐसे केस में अगर आप दोनों को मिला करके और जोर से शेक कर दीजिए इसका इम्पैक्ट आएगा। शेक करने से कुछ टाइम के लिए हमारे ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स तो हो जाएंगे, लेकिन फिर जैसे ही आप उसको शेक करना बंद कर दोगे धीरे धीरे वाटर अलग हो जाएगा और ऑयल अलग हो जाएगा। तो मेरे कहने का पर्पस क्या रहा कि जो इमल्शंस होते हैं ये ज्यादातर केस में अनस्टेबल होते हैं। अब इनको स्टेबल हमें बनाना होता है, इनको स्टेबल बनाने के लिए हमें कुछ सेलेक्टिव एजेंट सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, उस सब्सटेंस को हम इमल्सिफाइंग एजेंट का नाम देते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट का हम नाम देते हैं या इमल्सिफायर का नाम देते हैं। ज्यादातर केस में देखा जाए जो इमल्सिफाइंग एजेंट या जो हमारे पास इमल्सिफायर होते हैं, देखिए सोप ये इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर का काम कर सकता है, डिटर्जेंट ये भी देखा जाए ये वर्क कर सकता है, स्पेशली प्रोटीन ये वर्क कर सकता है। देखा जाए ज्यादातर केस में गम को भी ले सकते हैं, ये देखा जाए ये सब ले हम इसको यूज कर सकते हैं। ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करते हैं, ये लिक्विड लिक्विड इमल्शंस को या लिक्विड लिक्विड हमारे कोलाइडर सिस्टम को स्टेबल करते हैं। तो मेरी बात समझ आएगी नहीं है कि लिक्विड लिक्विड हमारा जो कह सकते हमारा कोलाइड्स हैं इनको हम नाम दे रहे हैं इमल्शंस। इमल्शंस स्टेबल होते नहीं आसानी से, दोनों फेज अगर लिक्विड है इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, हमें कुछ सेलेक्टिव एजेंट लेने पड़ते हैं सब्सटेंस लेने पड़ते हैं जिससे कि हमारा कोलाइड स्टेबल हो जाए। तो जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला सब्सटेंस होता है जिसको हमें एक्सटर्नली मिक्स करना पड़ता है बाहर से मिलाना पड़ता है उसको इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर का नाम देते हैं। सोप डिटर्जेंट प्रोटीन्स गम ये सब इसके रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा डिस्कशन हम इसके टाइप का कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सिचुएशन बड़ी सिंपल सी है, टू टाइप हमारे पास देखा जाए टू टाइप के हमारे पास ये कोलाइड्स ये इमल्शंस बनते हैं। पहला जो हमारे पास देखा जाए टाइप है, यहाँ पर देखा जाए बड़ा सिंपल सा टाइप है, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है फर्स्ट टाइप में ऑयल इन वाटर का नाम देते हैं, ऑयल इन वाटर का नाम देते हैं, ब्रैकेट में देखो ओ और ऐसे डब्ल्यू बना देते हैं, मतलब क्या सो रहा है ऑयल इन वाटर। इसका मतलब क्या है कि डिस्पर्सन मीडियम तो हमारा वाटर है और डिस्पर्स फेज हमारा ऑयल है। ये देखा जाए अब डिस्पर्स फेज ऑयल है डिस्पर्सन मीडियम हमारा देखा जाए वाटर है, तो ऐसे इमल्शन के लिए हम देखा जाए ऑयल इन वाटर का नाम देंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखा जाए अपने लिए मिल्क है, जैसा कि आप लोग सबको पहले से पता है मिल्क में डिस्पर्सन मीडियम वाटर है सबको पता है, लार्ज अमाउंट में होता है ग्रेटर अमाउंट में होता है, और डिस्पर्स फेज जो उसका फैट कंपोनेंट होता है वो देखा जाए उसका डिस्पर्स फेज कंपोनेंट है ऑयली नेचर का है, तो ऑयल इन वाटर मिल्क सबसे बेटर एग्जांपल है। और इसमें जो प्रोटीन होती है मिल्क के अंदर अवेलेबल होती है वही प्रोटीन देखा जाए यहाँ पर ऑयल को वाटर में मिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब प्रोटीन इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह से काम करेगी या इमल्सिफायर है, यह आपको ध्यान में रखने की जरूरत है।
इसी तरह देखा जाए सेकंड नंबर पर हम यहां पर देखा जाए, इसमें देखा जाए वाटर इन ऑयल लेते हैं, वाटर इन ऑयल लेते हैं, यहाँ पर W बाई O ऐसे देखो यहाँ पर मेंशन करते हैं वाटर इन ऑयल। इसका मतलब क्या रहा कि ऑयल तो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है और वाटर हमारा डिस्पर्स फेज है, ये इसका रिलेटेड एग्जांपल है। यहाँ पर देखा जाए कॉड लीवर ऑयल इसका एग्जांपल बनेगा, बटर जैसा कि आप सबको पता है स्पेशली देखा जाए ये सबसे बेटर एग्जाम्पल है, कॉड लीवर ऑयल एग्जाम्पल्स हैं, कोल्ड क्रीम वो भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सब इसके कुछ सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स हैं जो आप इमल्शन में दे सकते हो। तो अपने बुक में इमल्शन में केवल इतना सा ध्यान रखना है इमल्शन होते क्या है, लिक्विड लिक्विड कोलाइडर सिस्टम के लिए हम इमल्शन वर्ड यूज करते हैं, इमल्शन लेस स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ एक्सटर्नली एजेंट मिलाना पड़ता है, उसको इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर का नाम दे देंगे। सोप डिटर्जेंट प्रोटीन्स गम ये सब रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं इमल्सिफायर के। टू टाइप के होंगे ऑयल इन वाटर, मिल्क बेटर एग्जाम्पल है, डिस्पर्सन मीडियम वाटर डिस्पर्स फेज ऑयल। इसमें मिल्क में वाटर डिस्पर्सन मीडियम है और फैटी प्रोडक्ट जो है ऑयल वाले ऑयली प्रोडक्ट जो है वो डिस्पर्स फेज है, प्रोटीन इमल्सिफायर है। इसी तरह देखा जाए वाटर इन ऑयल, अब यहाँ पर वाटर डिस्पर्स फेज है और ऑयल डिस्पर्सन मीडियम है, इसमें बटर कॉड लिवर ऑयल कोल्ड क्रीम ये सब इसके रिलेटेड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब अपना पूरा इमल्शन का केस देखा जाए यहाँ पर कंप्लीट हुआ, अब हम इसके आगे आना चाहेंगे। अब इसके आगे देखो हमारे समझाने का मतलब, अब इसके देखा जाए कोलाइड्स के स्पेशली हम अप्लीकेशन वाले पार्ट की तरफ आएंगे, कोलाइड्स का देखा जाए नॉर्मल अप्लीकेशंस क्या हैं, बहुत सिंपल सिंपल अप्लीकेशंस कोलाइड के अपने ध्यान में रखने हैं, बहुत ईजी हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कोलाइड्स की अप्लीकेशन और दो अलग अलग टाइप के अप्लीकेशंस का हमारा डिस्कशन यहाँ पर स्पेशली होना है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, अप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड की तरफ हमें मूव करना है इसकी तरफ, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए इनमें जो टॉपिक्स हैं अप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड ये देखा जाए हम इसकी तरफ मूव करेंगे। अप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड में देखो सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसमें से दो पार्ट में हम अप्लीकेशन को डिस्कस करना चाहेंगे, एक तो हम इनका अप्लीकेशन डिस्कस करना चाहेंगे इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ अपने एवरीडे लाइफ में कोलाइड की क्या एप्लीकेशंस हैं इनकी बात करना चाहूंगा, काफी एप्लीकेशंस हैं जिनको वन बाय वन हम और दूसरा दिन में हमें एप्लीकेशंस की बात आएगी वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात आएगी। तो हमारे पास जो कोलाइड सिस्टम एप्लीकेशन की बात करेंगे ज्यादातर केस में कोलाइड्स हैं, कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कहीं हम उनमें कुछ चेंजेस करके अपने बेनिफिट अपने लाइफ बना रहे हैं, इसी एप्लीकेशन पर हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ पर मेडिसिन की तरफ आते हैं, मेडिसिन आपको सबको मैं पहले बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखो मेडिसिन में क्या है एप्लीकेशन, मेडिसिन जितने भी हैं ऑलमोस्ट कोलाइडल नेचर के हैं। क्यों? एक क्वेश्चन आता है कि मेडिसिन का जो कोलाइडल बिहेवियर, मेडिसिन को कोलाइडल फॉर्म में ही हमें क्यों लेना पड़ता है या क्यों हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीजन है, अगर मेडिसिन सोल्यूशन फेज में जाएगी तो पार्टिकल स्मॉल होंगे, सरफेस एरिया स्मॉल आएगी, और मेडिसिन अगर कोलाइडल बिहेवियर की है कोलाइडल रेंज में है उसका सरफेस एरिया लार्ज है, और अगर सरफेस एरिया लार्ज है इसका इंपैक्ट क्या आएगा तो उसको एसिमिलेट होने में एब्जॉर्ब होने में आसानी होगी, आसानी से अपने बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि अपने बॉडी में जो सेल फ्लूइड होते हैं वो सब के सब कोलाइड हैं, अपना ब्लड कोलाइडल नेचर का है, इस वजह से मेडिसिन कोलाइडल फॉर्म में मोर इफेक्टिव है, बल्कि अगर हम इनको कोलाइडल फॉर्म में ना लेकर के सोल्यूशन फॉर्म में लें तो इसके रिस्पेक्ट में इनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत स्पेशली है ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। यहाँ पर देखिए तमाम एग्जाम्पल्स हैं, एक सिल्वर का सॉल है आर्जिरोल, उसका देखा जाए आई लोशन के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, एक एंटिमनी का कोलाइड है जिसको काला जार के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं, स्पेशली देखा जाए कोलाइडल गोल्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में उनको हम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कोलाइडल गोल्ड्स को इंट्रामस्कुलर ही क्यों दिया जाता है, इंट्रावेनस क्यों नहीं दिया जाता, फिर उसी पॉइंट पर माना चाहेंगे कि इंट्रामस्कुलर देने का पर्पस क्या है कि वह लार्ज सर्फेस एरिया उसको मिल जाएगी, मसल्स में अगर हमने कोलाइडल गोल्ड को एज अ मतलब मेडिसिन की तरह से इंजेक्ट कराया तो अपने मसल्स के अंदर लार्ज सरफेस एरिया मिलेगी जिससे वो आसानी से
एसिमिलेट हो जाएंगे, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया आपको इसको एज ए एग्जाम्पल दिमाग में रखना है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखना, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए मेडिसिन की तरह से। इसी तरह देखा जाए सेकंड नंबर पर हमारे पास देखो फूड आर्टिकल्स की तरफ आते हैं। फूड आर्टिकल्स देखिए काफी हमारे पास ऐसे फूड हैं देखा जाए जो कोलाइडल नेचर के हैं। जैसे देखा जाए आपको सभी पता है बटर है, मिल्क है, हलवा है, इसी तरह से ये सब के सब कोलाइडल नेचर के हैं। पर्पस क्या है? क्योंकि अपने बॉडी में जो साइटोप्लाज्म है, बॉडी के जिसको हम सेल फ्लूइड का नाम देते हैं, ब्लड है, ये सब कोलाइडल नेचर के हैं। तो कोलाइड में आसानी से कह सकते एसिमिलेट हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ज्यादा इफेक्टिव होंगे। इसलिए ज्यादातर हमारे पास फूड आइटम्स ये कोलाइडल बिहेवियर के हैं। तीसरे नंबर पर देखो माना चाहेंगे स्पेशली यहाँ पर जिसमें देखा जाए फॉग मिस्ट क्लाउड। ये देखा जाए दो तीन चीजें बड़े काम की हैं। देखो फॉग और मिस्ट आप सबको पता है कि ज्यादातर विंटर सीजन में क्रिएट होते हैं। विंटर सीजन में होता क्या है फॉग या मिस्ट में, हमारे पास देखा जब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का डाउन हो जाता है तो उस समय हमारे पास जो कह सकते हो कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उस डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ देखा जाए अपने वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाती हैं और कंडेंस होकर के इतने स्मॉल साइज में होती हैं कि एयर के अंदर फ्लोट करती हैं। तो इसी के लिए देखा जाए हम फॉग या मिस्ट का नाम देते हैं। एकदम से अगर बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनेंगी जो आसानी से जमीन पे नहीं गिर रही हैं, बिल्कुल एकदम फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं बिल्कुल एयर के अंदर, तो उस केस में देखा जाए फॉग बनता है। अगर ड्रॉपलेट्स थोड़ा सा उसके रिस्पेक्ट में थोड़ी सी बड़ी हैं और कह सकते हैं इजी गोइंग कंडेंस हो सकती हैं तो मिस्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड देखा जाए अपने पास जो एयर के अंदर देखा जाए एयर हमारा डिस्पर्सन मीडियम है और इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ये स्मॉल साइज की वाटर ड्रॉपलेट उसमें कंडेंस उसमें कह सकते हो मिक्स रहती हैं और क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं। क्लाउड चार्ज पार्टिकल होते हैं, ध्यान रखना जितने भी क्लाउड्स होते हैं चाहे वो मैन मेड हो चाहे नेचुरल हो सब पर चार्ज होता है। क्लाउड पर भी देखा जाए चार्ज होता है। तो जब दो अपोजिट चार्ज वाले क्लाउड आपस में देखा जाए एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं म्यूचुअल कोगुलेशन होता है, उनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं स्मॉल साइज वाली वो बिग साइज के ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसका इम्पैक्ट आएगा कि जब साइज बड़ी हो जाएगी तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करने लगेगा और रेन कह सकते हो कि रेन वाटर की तरह से जमीन पर वो गिरने लगेंगी। तो इस तरह से रेनफॉल स्टार्ट होगा। दो अपोजिट चार्ज वाले क्लाउड कह सकते हो अगर आपस में मिला दिए जाए तो म्यूचुअल कोगुलेशन की वजह से रेनफॉल होता है। कभी कभी ये वर्क देखा जाए अपने अर्थ के थ्रू भी होता है, अर्थ के थ्रू म्यूचुअल कोगुलेशन होता है और रेनफॉल होता है। तो ये भी सिचुएशन देखा जाए क्लाउड अगर है तो क्लाउड स्पेशली जो हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, कंडेंस एयर के अंदर कह सकते बिल्कुल एक दूसरे के साथ एकदम चार्ज के फॉर्म में सेपरेट है और वो क्लाउड है। जब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे म्यूचुअली कोगुलेट होंगी तो रेनफॉल होगा, ये ध्यान में रखने की जरूरत है स्पेशली। इसके आगे देखा जाए हम थोड़ा और एक आध पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहेंगे। आगे देखा जाए आर्टिफिशियल रेन की बात थोड़ा सा हम लोग कर लें। देखिए आर्टिफिशियल रेन कुछ अलग नहीं होती है। नॉर्मल देखिए जैसे एक क्लाउड है, मान लीजिए क्लाउड पर नेगेटिव चार्ज है, देखिए क्लाउड अभी मैंने कहा ना क्लाउड चार्ज वाले होंगे या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव कोई चार्ज होगा। अगर इसी पर देखा जाए इसी क्लाउड पर अपोजिट चार्ज का सैंड या अपोजिट चार्ज के सब्सटेंस या NaCl या ऐसे सब्सटेंस को हम इसके अपोजिट चार्ज का जो इसके ऊपर चार्ज है कोलाइड हमारे क्लाउड पर, मान लो क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज है तो हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट स्प्रे करना पड़ेगा या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास हमारा क्लाउड नेगेटिवली चार्ज है तो हमें पॉजिटिव चार्ज वाले कह सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट को या पॉजिटिव चार्ज वाले सब्सटेंस को या पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल को स्प्रे करना पड़ेगा। तो उस स्प्रे करने का इम्पैक्ट यह होता है कि इसका क्लाउड का जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। चार्ज अगर जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो आपस में क्लंप कर जाएंगी, आपस में कह सकते हो ग्रुप में कलेक्ट हो जाएंगी, साइज बिगर हो जाएगी और ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क करने लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स जब वर्क करने लगेगा तो रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इस तरह से हम आर्टिफिशियल रेन हम लोग कराते हैं जो कि कभी कभी देखा जाए कुछ कंट्रीज में तो काफी कॉमन है।
आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है, ये ध्यान में रखना है अपने को। इसी तरह देखा जाए, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ये भी देखा जाए बड़ा अच्छा सा टॉपिक है एकदम से, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। यहां पर मैं सिंपली समझाना क्या चाह रहा हूं, डेल्टा का फॉर्मेशन जैसा आपको सबको पता है कि डेल्टा होते क्या है, जहां पर अपना रिवर वाटर सी की कांटेक्ट में आता है, तो आप सबको पता है वहां पर जमीन जो है एकदम से ऊपर की तरफ उठने लगती है, और उसी को हम नाम देते हैं डेल्टा। इंडिया में जो सुंदरबन डेल्टा है, स्पेशली बे ऑफ बंगाल में जो अपनी गंगा रिवर जाकर के मिक्स होती है, मिलती है, तो वहां पर बना है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। इसमें देखो डेल्टा फॉर्मेशन कुछ अलग नहीं है, जैसे देखो रेन वाटर आ रहा है और यहां पर देखा जाए सी वाटर है, और ये देखा यहां पर देखा जाए अपना रिवर वाटर है। ये रिवर वाटर देखो इस साइड से आ रहा, तो रिवर के अंदर होता क्या है, रिवर वाटर के अंदर जो इंप्योरिटीज होती है, स्पेशली सॉयल डस्ट सैंड, ये सब जो इंप्योरिटीज है, ये सब के सब देखा जाए निगेटिव चार्ज में रहती है और कोलाइडर फॉर्म में होती है। जब यहां पर आप सी वाटर के कॉन्टेक्ट में वाटर आएगा, तो सी वाटर देखा जाए इलेक्ट्रोलाइट का सोर्स है, इलेक्ट्रोलाइट का काफी गुड सोर्स है, क्योंकि पता है सी वाटर के अंदर काफी ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, NaCl, MgCl2, NaBr, कुछ आयोडाइड के सॉल्ट होते हैं, ये सब काफी अमाउंट में होते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही ये रिवर वाटर के अंदर जो इंप्योरिटीज हैं जो कोलाइडल फॉर्म में हैं, जैसे देखा जाए रेन वाटर के कॉन्टेक्ट में आएंगी, इसमें सी वाटर के कॉन्टेक्ट में आएंगी, तो सी वाटर के अंदर क्या इलेक्ट्रोलाइट है, अब वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इसके अंदर जो इंप्योरिटीज है कोलाइडल फॉर्म में उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, और जैसे वो कोगुलेट हो जाएंगी तो यहां पर आकर के देखो ये सेटल डाउन होने लगेंगी, और जब सेटल डाउन होने लगेंगे देखा जाए ये वाला शेप क्रिएट करती है डेल्टा वर्ल्ड, देखा जाए इस शेप की वजह से क्रिएट हुआ बना है, क्योंकि वाटर देखा जाए बिल्कुल यूं आएगा, और यहां पर चूंकि इंप्योरिटीज कोगुलेट हो जाएंगे, कोगुलेट होकर न्यूट्रलाइज होकर के सेटल डाउन हो जाएंगी, तो धीरे धीरे जमीन वहां पर देखो ऐसे ऊपर की तरफ उठने लगेगी और इसका डेल्टा की तरह से शेप बन जाएगा, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं डेल्टा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डेल्टा बनता क्यों है, तो आपको देखने से लग रहा है कि इसके लिए म्यूचुअल कोगुलेशन पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, म्यूचुअल कोगुलेशन की वजह से ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि रिवर वाटर के अंदर जो इंप्योरिटीज हैं सॉयल सैंड डस्ट और नेगेटिवली चार्ज है, हमारा सी वाटर इलेक्ट्रोलाइट का मेजर सोर्स है, काफी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव चार्ज कोलाइड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देंगे और हमारी इंप्योरिटी कोगुलेट होकर के सेटल डाउन हो जाएंगी और वहां जमीन ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगी और डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ये म्यूचुअल कोगुलेशन का सबसे बेटर एग्जाम्पल भी यहाँ पर है कि अपना सी वाटर रेन वाटर एक दूसरे को देखा जाए, यहाँ पर स्पेशली सी रेन वाटर कोगुलेट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, और इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल कहां पर है, सी वाटर के अंदर। ये तो देखा जाए डेल्टा फॉर्मेशन पर क्वेश्चंस खूब बनते हैं और कई बार आप लोगों को इसमें देखा जाए कई बार पूछे भी गए हैं। इसी तरह देखो ब्लू कलर ऑफ स्काई, टेल ऑफ कॉमेट, सबको पता है ब्लू कलर ऑफ ओशन, ये सब एग्जाम्पल देखा जाए स्पेशली अपने टिंडल इफेक्ट के हैं, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन देखा जाए ये बिहेवियर शो करते हैं, तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, जो कि पहले डिस्कस हो चुका है, ये सब एवरीडे लाइफ में कोलाइड के एप्लीकेशंस हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन स्पेशली कर लेते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और अपना कोलाइड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इस पर भी क्वेश्चंस खूब बनते हैं, आप लोग थोड़ा सा कुछ एप्लीकेशंस की बात मैं करूंगा, आप लोग उसको ध्यान से समझना। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यहां पर देखिए सीवेज डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल, जरा इसकी बात कर लिया जाए। आपको पता है आज के टाइम में सीवेज एक मेजर प्रॉब्लम्स है, ज्यादातर सीवेज वाटर रिवर में डाल दिए जाते हैं और अपनी रिवर पोल्यूट हो रही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस पर एक बहुत बड़ा वर्क चल रहा है कि सीवेज वाटर को पहले ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद रिवर वाटर में मिलाया जाएगा। इसमें देखो होता क्या है, जो हमारे पास सीवेज वाटर आते हैं सीवेज के अंदर, इसके अंदर देखा जाए हमारे जो हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं और जो मिक्स चीजें जो डस्ट डर्ट रहती हैं
वो सब चीजें देखा जाए इस सीवेज वाटर में मिली होती हैं। ये सब देखा जाए नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में होती हैं। यहां पर क्या होता है कि रिवर में मिक्स कराने से पहले यहां पर देखिए बड़े बड़े हम लोग प्लेट लगा देते हैं और ये सब के सब प्लेट हाई पोटेंशियल पर रखे रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो आपको देखने से लग रहा है कि जब सीवेज वाटर जब इन प्लेट के कॉन्टेक्ट में आएगा, जो अपने बड़े बड़े प्लेट हाई पोटेंशियल पर लगा रखे हैं 20,000-50,000 वोल्ट पर ही ज्यादातर ये हमें इनको रखना पड़ता है। तो अब इतने हाई पोटेंशियल पर होगा क्या कि जो ये नेगेटिव चार्ज सीवेज के अंदर इम्प्योरिटीज कोलाइडल इम्प्योरिटीज मिक्स हैं, यहाँ पर आकर के देखो कोगुलेट हो जाएंगे, कोगुलेट होकर के सॉलिड बनकर के यहाँ से बाहर हो जाएंगे और फिर हमारा वाटर देखा जाए आगे रिवर वाटर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो जो रिवर वाटर में बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में इम्प्योरिटीज मिल रही थी जो सीवेज में आती हैं, उस इम्प्योरिटीज को देखा जाए यहीं पर सॉलिड बना करके बाहर निकाल दिया गया। आगे उनसे मैन्योर बना लेते हैं या उनके दूसरे जो यूज हैं अलग अलग उनको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है कि हमारा सीवेज वाटर प्रॉपरली देखा जाए पूरी तरह से डिस्पोज हो जाता है, कैसे तो उसकी इम्प्योरिटीज बाहर हो जाती हैं और उसमें अंदर जो जर्म्स और ये सब होते हैं उनको भी देखा जाए हम लोग ट्रीटमेंट के थ्रू मेडिकल यानी कह सकते मेडिसिन उसमें जो ब्लीचिंग पाउडर या एयर या इन सब के थ्रू हम लोग ट्रीट कर देते हैं और फ्रेश वाटर कह सकते हो कि एकदम से अच्छा वाटर जो हम लोग रिवर में डिस्चार्ज करते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस है सीवेज डिस्पोजल का जो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी से रिलेटेड देखा जाए सेकंड नंबर पर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ये भी बड़ा एक सिंपल सा केस है, वही सेम केस म्यूचुअल कोगुलेशन का, ये सिंपली सॉरी इसमें इलेक्ट्रोलाइट का ये एडिशन का एग्जांपल है। मान लीजिए वाटर जो हमने लिया है इसके अंदर देखो नेगेटिव चार्ज इम्प्योरिटीज अवेलेबल है, हमारे डस्ट की इम्प्योरिटीज हैं, सेंट की इम्प्योरिटीज हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं। इसमें हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर पोटास एलम मिक्स कर देते हैं और पोटास एलम का फॉर्मूला सबको पता है K2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइस एंड 24H2, ये पोटास एलम का फॉर्मूला है। इसमें देखो एक तो एल्युमिनियम आयन मिलेगा और एक पोटेशियम आयन मिलेगा, क्योंकि पता है कि नेगेटिव चार्ज इम्प्योरिटीज को नेगेटिव चार्ज क्लोराइड को प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट पॉजिटिव चार्ज आयन बनाएंगे। तो जो एल्युमिनियम आयन है या पोटेशियम आयन है ये इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिससे कि पोटास एलम थोड़ा सा मिलाने से वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो देखा जाए प्रेसिपिटेट बनकर के नीचे सेटल हो जाएगी और हमारा वाटर ऊपर से कैसे तो प्योर हो जाएगा, जिसको हम लोग डिकेंट करके ऊपर से अलग कर लेंगे और इम्प्योरिटी नीचे सेटल डाउन रहेगी। ये तो एक सिंपल सा तरीका है कैसे हम वाटर को प्योर करते हैं। आपको थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये सब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, एक दो एप्लीकेशंस और हैं हम लोग उनकी बात कर लेते हैं और क्लोराइड्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात अगर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर देखो अगले एप्लीकेशन की तरफ हम यहाँ पर देखो आएंगे एक स्मोक प्रेसिपिटेशन, यहाँ पर ये भी आज के टाइम का सबसे बेटर देखा जाए वर्क है स्मोक प्रेसिपिटेशन। देखिए स्मोक के अंदर देखा जाए कार्बन पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे देखिए कहीं से स्मोक देखो यहां से बन रहा है जो, और उसमें कार्बन पार्टिकल जो कि नेगेटिवली चार्ज है और स्मोक में देखो रिलीज हो रहे हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं मेटल का पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर रख देते हैं, इसको क्वाट्रेल का नाम इसको देते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर रखते हैं। ये लगभग आप मान सकते हो कि 30,000 से लेकर के 50,000 वोल्ट पर इनको हम लोग रखते हैं, इतने हाई वोल्टेज पर ये वर्क करते रहते हैं। अब जब यहां पर देखो जब यहां से हमारा जो स्मोक है आगे मूव करेगा तो इसमें देखो इस पॉजिटिव चार्ज क्वाट्रेल से इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, तो जो ये नेगेटिव चार्ज कोलाइडल फॉर्म में हमारे वार्म एयर के अंदर हमारा कार्बन पार्टिकल मिक्स है ये देखो यहां पर आते ही प्रेसिपिटेट बन जाएगा और यहां पर देखो एस के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा इस केस में, और हमारे जो गैसेस हैं देखा जाए आगे यहां पर से ये वार्म गैसेस देखा जाए वार्म एयर बाहर निकल जाएगी। तो होगा क्या ये जो कार्बन पार्टिकल्स कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में कोलाइडल फॉर्म में थे स्मोक के अंदर, वो यहां पर देखा जाए क्वाट्रेल के थ्रू प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिए गए और यहां पर देखो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और फिर इनको हम लोग अलग कर लेंगे, इनकी जो अलग दूसरे यूजेस हैं उनको कर लेंगे।
तो हमारा यहां पर वार्म एयर बाहर निकल जाएगी। तो एक सिंपल सा स्मोक प्रेसिपिटेशन का देखो आज के टाइम में बड़ा अच्छा यूज है, जो इंडस्ट्रीज इतना पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, उस पोल्यूशन को इस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। आज के टाइम में देखा जाए हमारी मेन एक डिमांड है, जिससे कि हम इंडस्ट्रीज को कह सकते हो कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हैं स्मोक के प्रेसिपिटेशन की वजह से। यहां पर इतना देखा जाए कोलाइडर नेचर वर्क कर रहा है। अब हम इसके आगे आना चाहेंगे, एक दो प्रिपरेट यहां पर देखा जाए टेक्निक और हैं, बड़ी सिंपल सी कोलाइड के एप्लीकेशन से रिलेटेड है, स्मोक प्रेसिपिटेशन के आगे आएंगे। यहां पर देखा जाए रबर इंडस्ट्री की तरफ भी चल सकते हैं, रबर इंडस्ट्री इसमें देखो जो नेचर के अंदर रबर अपना मिलता है, ये देखा जाए ये रबर स्पेशली देखा जो लेटेक्स निकलता है प्लांट के साथ, देखो लेटेक्स रिलीज होते हैं और वो जो लेटेक्स होता है जो रबर अपने को मिलता है ये कोलाइडल फॉर्म में होता है, और कोलाइडल फॉर्म स्पेशली देखा जाए नेगेटिवली चार्ज कोलाइड के फॉर्म में ये स्पेशली रहता है। और इसमें देखा जाए हम लोग करते क्या है, यहां पर इस नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास लेटेक्स रिलीज हुआ कोलाइड के फॉर्म में, ये रबर हमारे किसी काम का नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज कोलाइडल फॉर्म में होता है, इसको हम लोग करते क्या है कि पहले इसको नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं। जब नेगेटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो हमारा रबर जो है ये देखा जाए सॉलिड बनकर के अलग हो जाता है, और फिर उस रबर का जो अलग अलग हमारे पास यूज है उनको हम अलग अलग तरीके से यूज कर लेते हैं। ये तो रबर इंडस्ट्री में भी देखा जाए बड़ा अच्छा सा यूज हमारा यानी कोलाइड्स का है, कैसे हम रबर को नेचर से कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेचर जो अपने को रबर दे रहा है ये तो कोलाइड के फॉर्म में दे रहा है, और हमारी नीड के लिए एकदम से जीरो है, कोई हमारा काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमें रबर का जो अलग अलग यूजेस हैं देखा जाए वो हम सॉलिड के फॉर्म में करेंगे। जब इसको प्रेसिपिटेट बना देंगे तो रबर हमारा सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन के बाद कोगुलेट हो जाएगा और उसके बाद उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। और एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देखा जाए यहाँ पर टैनिंग प्रोसेस देखा जाए इस वाले में, ये भी हमारे लिए बड़ा अच्छा सा है टैनिंग यहाँ पर देखा जाए, या इसी को हम लोग जो है लेदर इंडस्ट्रीज में देखा जाए, लेदर इंडस्ट्री में नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। देखो टैनिंग क्या है, एक प्रोसेस है, ध्यान रखना हमारे जो एनिमल हाइड जो स्पेशली देखा जाए यहां पर हम लोग कलेक्ट करते हैं, एनिमल हाइड हम लोग जो कलेक्ट करते हैं इसका अलग अलग यूज है। देखो शूज बनाने में, बेल्ट बनाने में, बैग बनाने में देखा जाए अलग अलग यूजेस हैं जो हम लोग लेदर का यूज करते हैं। इसमें देखा जाए क्या किया जाता है कि जो हमारे पास टैनिंग एक प्रोसेस है, एक मटेरियल होता है टैनिंग TANNIN टैनिंग जो प्लांट से मिलता है, तो ये जो टैनिंग होता है ये देखो नेगेटिवली चार्ज होता है टैनिंग, स्पेशली ध्यान रखना टैनिंग जो है अपना ये नेगेटिवली चार्ज स्पेशली यहाँ पर अवेलेबल पार्ट है देखा जाए। और एनिमल हाइड के अंदर देखा जाए जो हमारे एनिमल हाइड देखा जाए भी कोलाइड है स्पेशली, और ये पॉजिटिवली चार्ज है कोलाइड, और जब हम टैनिन इस एनिमल हाइड में टैनिन को एब्जॉर्ब करा देते हैं तो देखो होगा क्या, आपको देखने से लग रहा है कि टैनिन जो नेचर से मिल रहा है हमें प्लांट का प्रोडक्ट है ये देखा जाए नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है, और एनिमल हाइड ये कोलाइड है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, जब टैनिन को आपने एनिमल हाइड में एब्जॉर्ब करा दिया अच्छी तरह से, तो जब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट होगा यहां पर देखा जाए म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाएगा, म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाएगा, और अपना जो एनिमल हाइड है ये एकदम से हार्ड हो जाएगा, इस पर से देखा जाए एनिमल हाइड हार्ड हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं यहां पर देखा जाए इसी प्रोसेस को टैनिंग प्रोसेस TANNIN टैनिंग, ध्यान रखना TANNIN टैनिंग प्रोसेस है, और टैनिंग केमिकल है जो नेचर से प्लांट से अपने को मिल रहा है। तो टैनिंग नेगेटिव चार्ज केमिकल्स है, एनिमल हाइड पॉजिटिव चार्ज को लाइटर फॉर्म में है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया म्यूचुअल कोगुलेशन हो गया और एनिमल हाइड एकदम से हार्ड हो गए। अब हम इसको ड्राई करने के बाद जो इनका अलग अलग यूज है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल सा स्टेप रहा जैसे टैनिंग प्रोसेस जिसको हम लेदर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। आज के टाइम में टैनिंग के प्लेस पर देखा जाए क्रोमियम सॉल्ट का भी यूज बहुत ज्यादा होने लगा है,
एक बार क्वेश्चन भी आया था कि टैनिन के प्लेस पर कौन सा केमिकल हम और यूज कर सकते हैं टैनिंग इंडस्ट्रीज में या लेदर इंडस्ट्रीज में टैनिंग प्रोसेस के लिए, तो क्रोमियम सॉल्ट आपके दिमाग में रखने की जरूरत है। अब ये ऑलमोस्ट एप्लीकेशन हमारा कोलाइड का कंप्लीट हुआ, कोलाइड्स टॉपिक पूरी तरह से कवर है, कंप्लीट हमने कर लिया है, वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट पूरे बन गए, इसमें कोई टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, 100% कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए हैं। अब आप लोग इसको अच्छे से समझना पढ़ना, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो इसमें आप लोग आगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगला जो वीडियो आएगा वो अपना मेटलर्जी टॉपिक से रिलेटेड होगा, जिसके अगले वाला टॉपिक है। अब अपना फिजिकल का कंप्लीट पोर्शन कवर हो चुका है, आप लोग अच्छे से कंप्लीट करिए। 23 मार्क्स के वीडियो में कंप्लीट बना चुका हूँ, आप थोड़ी सी मेहनत करके वीडियो देख करके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करके अपना 23 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो एनुअल के अकॉर्डिंग। थैंक यू।